नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के प्रमुख समाचार। नेपाल में मलबे से जिंदा निकला 4 माह का बच्चा। नेपाल में भूकंप के 22 घंटे बाद 4 माह के एक बच्चे को बचाव कर्मियों ने एक ध्वस्त इमारत के मलबे से जीवित बाहर निकाल लिया। काठमांडू टुडे अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि बचाव कर्मी और सैनिकों को शुरू में बच्चे के बारे में पता नहीं चला, क्योंकि वे मलबे में जीवित लोगों की बड़ी ही हताशा के साथ तलाश कर रहे थे। तलो मलबे के बीच एक बच्चा जोर से रो रहा था, जिसे सुनने के बाद बचाव कर्मियों ने पूरे इलाके की दोबारा जाँच की। इसके बाद बचाव कर्मियों ने उस धूल से सने बच्चे को मलबे के नीचे से सावधानी पूर्वक निकाल लिया। विवाह पवित्र बंधन, पत्नी से नहीं हो सकता बलात्कार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हरिभाई पृथ्वीभाई चौधरी ने पत्नी से बलात्कार को कानूनन अपराध बनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में वैवाहिक बलात्कार की कोई अवधारणा लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि यहां विवाह को संस्कार माना जाता है। उन्होंने कहा कि वैवाहिक बलात्कार की अवधारणा, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझा जाता है, कई कारणों से भारतीय परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त नहीं है। इन कारणों में शिक्षा, निरक्षरता का स्तर, गरीबी, धार्मिक रीति रिवाज, पारिवारिक मूल्य तथा विवाह को संस्कार मानने की सोच आदि शामिल है। छेड़खानी के बाद मां बेटी को बस से फेंका, बेटी की मौत। एक दिल दहला देने वाले घटनाक्रम में बस में सफर कर रही मां बेटी से छेड़खानी के बाद उन्हें चलती बस से फेंक दिया गया। हादसे में बेटी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस बस में यह घटना हुई, वह पंजाब की डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की है। टीवी रिपोर्ट के अनुसार बस में दोनों के साथ छेड़खानी की जा रही थी, जिसका उन्होंने विरोध किया था। घटना में लड़की की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।